हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 3 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी आपकी PT1 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है PT1 क्लास 3 मैथ्स का पेपर, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट होगा आपका नॉलेज, सेकंड पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्ट है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट और लास्ट पार्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और इन सबको कंबाइंड करके आपका ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका ये होने वाला है। ये 4 कॉम्पिटेंसी है जिस बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा। वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट यानी कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पे नंबर्स गिवन है और उसके बाद हमें स्पेस गिवन है, तो इन नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है और उसके बाद जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें फर्दर नेक्स्ट 2 नंबर्स हमें लिखना है। जैसे देखो 108, 109, 110, इट मींस ये हो गया नेक्स्ट नंबर 111 हो जाएगा और उसके बाद 112 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट, 160, 170, 180, इट मींस नेक्स्ट 190 और उसके बाद ये आपका 200 हो जाएगा, यानी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, राइट द नंबर्स इन वर्ड। अब 14 गिवन है और उसके अलावा 40 गिवन है, तो 14 की नंबर नेम और 40 का नंबर नेम आपको स्पेलिंग्स इसकी लिखनी है यहाँ पे, जो कि आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये ब्लैंक में आपको कुछ काम भी करके लिखना होगा इसका आंसर। जैसे अब ये देखो 50 + 25, इसको प्लस करोगे तो आपके पास 75 आएगा। आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो, यानी प्लस कर लो और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 100 + 295, तो इन दोनों को यहाँ पे प्लस करोगे और प्लस करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ये प्लस करने वाला काम किसी रफ पेज पे करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जहां पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर साइड में आप इसको प्लस करके दिखा दो, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे है अ क्रिकेट बैट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे आपको क्रिकेट बैट ड्रॉ करना है और इसके डायमेंशन के बारे में गिवन है कि इसका लेंथ जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्रिकेट बैट ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा सा सुंदर सा, और कलर भी कर देना। बस ध्यान रखना इसकी जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, ये आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको पेंसिल ड्रॉ करना है बी पार्ट में और इसकी लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मेजर करके अच्छे से आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पहले भी पूछे जा सकते हैं और अब भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट है आपके लिए सेकेंड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का उस पार्ट के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, इसमें ब्लैंक फिल करना है। देखो यहाँ पे आपके पास ए पार्ट है, 1 मीटर = -10 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो सेंटीमीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 100 लिख देंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, 5 किलोमीटर = -। अब 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। अब यहाँ पे 5 है, तो जब आप 1 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में, और यहाँ पे भी जो 1000 है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5000 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 5 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि 5000 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करके भी दिखा दोगे और यहाँ फिल भी कर दोगे। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, डिवाइड द पिक्चर इन टू 2 equal halves। अब इसको जो डायग्राम आपको ट्राइंगल गिवन है, इसे अगर मैं बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 2 पार्ट में ड्रॉ आपने से डिवाइड कर दिया, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। आप चाहो तो 2 पार्ट्स जो आपने इसे डिवाइड किया है
दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर करके इसके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने आंसर में। बस इतना सही काम है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पिक्चर। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अगर मैं इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं और एक लाइन इधर ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी ऊपर लेंथ गिवन था, मैंने नीचे लेंथ ड्रॉ कर दिया, और ये साइड में आपको ब्रेथ गिवन था और यहां पे भी आपने ब्रेथ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो आपने इस पिक्चर को कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, ट्राइंगल अगर इसे आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। तो यही काम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करना था कि आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना था। जो ये डायग्राम है आपके पास रेक्टेंगल, इसे आपको कंप्लीट करना था, और इसके अंदर आपके पास जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल को आपने कंप्लीट कर दिया इस लाइन को ड्रॉ करके। बस इतना सही काम करना है, बहुत आसान काम है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप पेंसिल यूज करें, स्केल यूज करें, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इस क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द डॉट्स ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ पेंसिल लीफ अ काइट। अब ये देखो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, उस टाइप का ये आपको डॉट्स गिवन है। इन डॉट को यूज करके आपको इसके ऊपर एक पेंसिल ड्रॉ करनी है, एक लीफ यानी पत्ता ड्रॉ करना है, और काइट यानी पतंग ड्रॉ करना है। इन तीनों चीजों को आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप चाहो तो पेंसिल कलर फिल करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, ताकि आपके जो टीचर हैं आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। बहुत ईजी सा काम है, आप लोग इसे कर सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रहे ज्यादा टाइम मत लगाना, अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट है आपका एबिलिटी टू कंप्यूट, ठीक है। तो इसमें ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे ए पार्ट में आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो 225 को और 400 को आप प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास 625 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 625, इसे लिख देंगे। अब देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पे आपको कोई नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जिससे ये आंसर कंप्लीट हो जाए, यानी कि 70 में से मैं क्या माइनस करूं, मेरे पास 30 आ जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ 30 को इधर माइनस कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वो रिजल्ट आ जाए। तो जब मैं इसे माइनस करता हूँ तो मेरे पास 40 आ रहा है, तो अगर मैं 70 में से 40 माइनस करूंगा 30 आएगा। आप चाहो तो इसका आंसर भी चेक कर सकते हो कि 70 में से 40 माइनस करके देख लो, अगर आपका 30 आ रहा है इट मीन्स आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एबिलिटी टू कंप्यूट में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, यहां आपको बोला जा रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब पहले में प्लस करना है वो आप कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ मुझे कमेंट में इसका आंसर भी बताना, ठीक है, इसका भी और इसका भी, कि प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है और इधर माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, मुझे कमेंट करके आंसर बताना। या आप इसका भी आंसर लिख देना प्लस करने के बाद, और इसका भी आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं और घर पे से सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट देखो है इसकी के अंदर थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको ये टेबल गिवन है और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक हाउ मेनी रन्स डू दीज प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। देखो सबसे पहले आपको इस सेंचुरी की मीनिंग पता होनी चाहिए। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उन्हें तो पता है कि सेंचुरी मीन्स होता है 100, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अब ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी ये जो बॉक्सेस ब्लैंक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इनको आपको फिल करना है, और फिल किससे करना है, हाउ मेनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट सेंचुरी, कि इन प्लेयर को यानी एपीजे एमएस सीके केएसपी इन प्लेयर्स को कितने रन और चाहिए जिससे वो 100 रन कंप्लीट कर सके। यानी कि अगर मैं एपीजे का निकालना चाहूं तो 100 में से 93 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा, तो यहां मैं फिल कर सकता हूं 7। उसके बाद 100 में से अगर मैं 97 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3, तो मैं यहां फिल कर सकता हूं 3 रन्स, ठीक है। आप रन्स भी लिख देना, ठीक है, ताकि आपका आंसर अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 100 में से ये 89 माइनस करो, आपके पास रिजल्ट 11 आ रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो 11 रन्स। उसके बाद 100 में से 99 माइनस करो तो यहां पे आपका रिजल्ट 1 आ रहा है, तो आप लिखो 1 रन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को कंप्लीट करेंगे आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट पोर्शन यानी फोर्थ पार्ट आपका आ जाता है, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। बेसिकली इस वाले पोर्शन में आपको वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर वन, इसमें आपके लिए राइट द आंसर, अब देखो फाइव मोर देन 55, 50, तो 50 में फाइव मोर, मोर का मतलब है प्लस करना है, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास 55 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद है 20 लेस देन 30, ठीक है 30 में से 20 माइनस करोगे, रिजल्ट आपके पास 10 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है मैथ्स में मोर का मतलब होता है प्लस, लेस का मतलब होता है माइनस, और कई बार आपको प्रोडक्ट लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड का तो डिवाइड ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए इसकी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमित फाउंड 135 बॉल्स, सागर फाउंड 165 बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डिड दे फाउंड इन ऑल, यानी आपको अमित का और सागर का टोटल नंबर ऑफ बॉल कैलकुलेट करना है। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अब इन दोनों के पास जो भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसे आप कंप्लीट कर सकते हो, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 300 बॉल्स आपके पास आंसर आ गया। तो इसे प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे और प्लस करोगे और अपना आंसर निकाल सकते हो आप लोग। उसके बाद नीचे देखो थर्ड क्वेश्चन और है इसके अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे पहले से कि सुनीता हैड 47 केक्स, सी गेव 30 टू हर सिस्टर पुनीता, हाउ मेनी केक्स वर लेफ्ट विद हर, और टोटल आपके इनके पास कितना है 47 है, और कितना इसने अपने सिस्टर को दे दिया 30 दे दिया, तो अब इसके पास कितने बचे 17 बच गया, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे कि नंबर ऑफ केक, ठीक है ऐसे लिखोगे, पहले लिखना है नंबर ऑफ केक लेफ्ट विद सुनीता, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसे माइनस करके दिखा देना है, यानी इस तरह लिखोगे 47 माइनस 30 और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 17 आएगा, तो 17 केक्स आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब सबसे लास्ट में जो आपका एक क्वेश्चन और रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है आपकी अब स्क्रीन पर, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है जो कि आपका ये 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। चलो इसे पढ़ते हैं। अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, देयर इज व्हाट ही फाउंड, एक टीचर है उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उनके स्कूल में, ठीक है, उनके स्कूल में क्या क्या इंफॉर्मेशन। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हर की जगह या हिज लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे ना ही यूज किया गया, थोड़ा सा करेक्शन भी कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है, जिनको ऑरेंज पसंद है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑरेंज पसंद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको मैंगो पसंद है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। बॉयज का अलग है, ठीक है, गर्ल्स का भी अलग है, सेपरेट है। अब क्वेश्चन में जैसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस। अब देखो स्टूडेंट की बात की गई है, तो स्टूडेंट का मतलब है इसके आप गर्ल्स भी इसके अंदर ऐड करोगे और बॉयज को भी कंबाइंड कर लोगे, यानी कि दोनों का टोटल बताओगे। और किसकी बात की जा रही, फ्रूट में ऑरेंज की बात की जा रही है, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे, तो प्लस करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 244 आ जाएगा। आपने इसे प्लस करना है और यहाँ पे 244 आंसर लिख दोगे प्लस करने के बाद। अब यहाँ पे प्लस करके दिखाना भी है आपको इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखो बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज। अब स्टूडेंट्स की बात की गई है तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दोनों का कंबाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आप ये 243 दोनों का प्लस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 443, तो जो आप प्लस करके अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, तो इसे और इसे इन दोनों को प्लस करोगे, यानी आपके पास ये 244 है इस वाले नंबर को और 443 इस वाले नंबर को, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 687 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स सभी को हमने कंबाइंड कर लिया, और प्लस करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास,
687 आ रहा है। ये जो आपने सॉल्व किया है ना, इसे प्लस किया है, इसे भी आप डिस्प्ले करोगे। और फाइनली लास्ट में है आपके लिए इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 300 और लेस देन 300। आपसे गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो मोर देन 300 है या फिर लेस देन 300 है, ये हमें चेक करना है। तो इट मीन्स ये है कि हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास देखो गर्ल्स का जो नंबर है 146 ये और 200, इन दोनों को प्लस करोगे। तो यहां पे आप प्लस कर सकते हो 146 और 200, ठीक है, जो कि आपके पास 346 आ जाएगा, जो आप यहां पे फिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो 346 प्लस करने के बाद। अब ये देखो 346 जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 300 है, 300 से ज्यादा है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, मोर देन 300, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। बस एक काम और रह गया इसके अंदर, एग्जाम में बोला नहीं है गया है इस क्वेश्चन पेपर में, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। चलो ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग नंबर ऑफ बॉयज यानी 98 और 243 इन दोनों को प्लस करके मुझे बताना कि नंबर ऑफ बॉयज कितने आ रहे हैं अपने नाम के साथ कमेंट में, ठीक है, जरूर बताना। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर क्लास थर्ड PT1 एग्जाम का होने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक बटन फटाफट दबा दो भाई। और हाँ, क्लास थर्ड मैथ्स के ऑल चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर करके अपलोड कर रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास थर्ड के मैथ्स के अलावा हिंदी, इंग्लिश, EVS सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्वेश्चन पेपर की। तो PT1 क्वेश्चन पेपर की भी एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, सारी वीडियो देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और PT1 का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PT1 के अंदर जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहे हैं उन सबकी सबका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देखिए, वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अच्छे से एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करो, ठीक है। तो एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो या फिर कोई कुछ बताना चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। मेरी ID है @MrKrishnaShah, जहां आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट, किस क्लास की आप वीडियो देखना चाहते हो, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।